रायपुर जिला के एक ऐसा नवनिर्मित मिडिल स्कूल भवन जो लोकार्पण के पहले ही खंडहर अवस्था में तब्दील हो गया है। आलम यह है जब इस भवन में स्कूल लगाने को लेकर शिक्षण संस्थान सहमे हुए हैं। भ्रष्टाचार से युक्त सामग्रियों से निर्मित उक्त भवन की जिम्मेदारी लेने वाला अब इस मामले से भाग रहे हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा विकास खंड के ग्राम पंचायत गुरसुदा में नवनिर्मित मिडिल स्कूल भवन की, जिनका निर्माण हुए महज 4 बरस बीते हैं। इस दरमियान ना ही इनका लोकार्पण हुआ है और ना ही अन्य उपयोगिता हुई है और यह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 2017-18 में निर्मित उक्त शासकीय मिडिल स्कूल भवन जिनकी लागत 11.4 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन इनकी गुणवत्ता पर नजर डाली जाए तो भ्रष्टाचार जमकर यहाँ लीपापोती की गई है। चंद सीमेंट व रेती को गारा से निर्मित कर भवन धराशाही की कगार पर पहुंच गई है। कमजोरियों के सहारे टिका भवन का छत धंसते जा रहा है। हाथ में रगड़ने पर दीवारों की सीमेंट रेती से युक्त मसाला का यूं ही छलनी हो रहा है। नवनिर्मित मिडिल स्कूल भवन के दशा देख करके शिक्षण संस्थान भी वहाँ स्कूल लगाने से परहेज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की सामग्री से निर्मित धराशाही होती जा रही है। नवनिर्मित मिडिल स्कूल भवन की जिम्मेदारी लेने से तत्कालीन संबंधित विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अब अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।